नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। मैं हूं नरेश। भारत देश त्योहारों का देश रहा है। यहां प्रत्येक अवसर को त्योहार के रूप में मनाया जाता रहा है और अपनी खुशी का इजहार इन त्योहारों के रूप में किया जाता रहा है। हमारे देश में बसंत पंचमी को ऋतु परिवर्तन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का पूजन भी किया जाता है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वीणा की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को इस दिन विशेष रूप से आराध्य माना जाता है। प्राचीन काल से ही अनेक ऋषि मुनियों ने मेधा शक्ति, बुद्धि शक्ति के विकास के लिए ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों से सारस्वती मंत्र की दीक्षा का वर्णन किया है। इसके जप के द्वारा लोगों के जीवन में कई परिवर्तन देखे गए हैं। सारस्वती मंत्र की इसी परंपरा को संत आशाराम जी बापू ने भी जारी रखा है और उनके कई सत्संगों में वो सारस्वती मंत्र की दीक्षा देते आए हैं। अपने वेदों के इस ज्ञान को संत आशाराम जी बापू ने आज भी संभाल कर रखा हुआ है और इस सारस्वती मंत्र के द्वारा कई बच्चों के मेधा शक्ति में गजब का विकास देखा गया है। अब हम आपको मिलवाते हैं राहुल कात्याल से। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा इनाम मिला है जो आज तक दुनिया में किसी को नहीं मिला। राहुल कात्याल पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट है। राहुल ने सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट के लिए एक अत्यंत किफायती और उपयोगी कुर्सी का आविष्कार कर अच्छे अच्छों को चौंका दिया। अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर रूरी कपूर, जिन्हें फादर ऑफ व्हील चेयर के खिताब से नवाजा गया है, ने हैरानी जताते हुए कहा कि मैं ऐसी ही एक चेयर बनाने की सोच रहा था, लेकिन राहुल ने तो कमाल ही कर दिया। अमेरिका में ऐसी कुर्सी 1 से 1.5 लाख रुपए में आती है। राहुल ने महज 3,000 रुपयों में ये कुर्सी तैयार कर डाली। अपने इस आविष्कार पर खुद राहुल भी हैरान है। तभी तो गुरु को सतत धन्यवाद देने से नहीं चूकते। मैंने 2004 में बापूजी से सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली और 2005 में गुरु मंत्र लिया। उसके बाद एक के बाद एक साल करता गया और इतने अवार्ड्स मिले और ये इन्वेंशन भी हुई और फिर इंटरनेशनल अवार्ड तक पहुंचा। साधारण से परिवार के बालक भी सारस्वती मंत्र के जप के प्रभाव से किस प्रकार उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा ही कुछ उदाहरण था अजय मिश्रा का, जो कि नोकिया कंपनी के ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट पर आज हैं। बोल, मैं सिखाता हूँ, ऐसा बोल बोल दे, मेरा नाम अजय मिश्रा है। मेरा नाम अजय मिश्रा है। है ना, ऐसा ही है ना, सच में है जी। हाँ, चलो। हाँ, मैं जब छोटा था तो बहुत कमजोर विद्यार्थी था। आप पिताजी मर गए थे, भाइयों को वार्निंग मिली थी स्कूल में कि इसको ले जाओ, मार्क कम आते हैं, हमारे स्कूल का नाम खराब करेंगे। 4 जनवरी 1990। हाँ। और बोल दिया था कि इसको निकाल हम देंगे क्योंकि ये कमज़ोर है और हमारे स्कूल का नाम खराब करेगा 12th में। अभी स्कूल का नाम खराब करने वाला बापू के चेलों का नाम और अपना नाम और स्कूल का नाम रोशन कर रहा है सारस्वती मंत्र। हाँ, बोलो बोलो। फिर जब बापू जी से दीक्षा मिली मुझे, उसके बाद तो विलक्षण परिवर्तन आ गया और मैं नोकिया कंपनी में नौकरी करने लग गया था। बाद में बापू ने अनुष्ठान के लिए कहा और उसका फलस्वरूप कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि मैंने आपके जो मोबाइल होते हैं उसका नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए 2 पुस्तकें लिखी जो विदेशी कंपनी ने प्रकाशित करी। विदेशी बड़े बड़े काले और गोरे इंजीनियर झक मारते मेरे चेले की पुस्तक पढ़ते और तब नेटवर्क का कुछ उनके दिमाग में आइडिया आता है। और पुस्तक $110 और $150 की बिकती है और लाखों रुपया रॉयल्टी मिली और 30 लाख रुपया साल का तनख्वाह भी मिल रहा है। दोनों हाँ। पुस्तकें चीनी भाषा में भी प्रकाशित हुई हैं। लो, अंग्रेजी में तो हुई, चीनी में भी हो रही है। देखो, गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। गुरु की किताब तो युवा धन 6-7 रुपए की और चेले की किताब 5,000 और 7,000 की। आश्चर्य तो तब होता है जब सारस्वती मंत्र के प्रभाव से छोटे छोटे बच्चे भी कार चलाकर लोगों की मदद करते हैं। जी हाँ, 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक जब अपने ही चचेरे भाई को कार में बैठाकर हॉस्पिटल तक लेके गया और एडमिट करवाया तो सारे वहां के लोग देखते रह गए। और अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था।
वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। आखिर 5 साल के ड्राइवर ने 5 किलोमीटर का सफर पूरा किया। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। मोहम्मद यूनस के साथ सुरभि जैन, जी न्यूज, दिल्ली। ईश्वर पर आस्था रखने वाले तनिष्क के माता पिता कहते हैं कि उनका बेटा शुरू से ही बहुत होशियार है और चीजों को बहुत जल्दी सीखता है। माता पिता दोनों चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर पायलट बने। सारस्वती मंत्र का जप, बसंत पंचमी का दिन हो और संतों का सानिध्य हो तो कहना ही क्या। संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में कई बच्चों को गजब के अनुभव हुए हैं। कैसे ही शिविरों में कई बार बसंत पंचमी के दिन संत आशाराम जी बापू ने अपने कई सारे बच्चों को सारस्वती मंत्र की दीक्षा भी दी है और उनको सत्संग के द्वारा संबोधित भी किया है। जी हाँ, छोटे छोटे बालकों के अंदर सारस्वती मंत्र की दीक्षा के द्वारा कई सारे गजब के चमत्कार देखे गए हैं। मैं सरकार को बोला, थोड़े दिन तुम्हारा सरकार चलाओ, बाद में हमारे लाखों लाखों बेटे बेटियां हैं, अपने आप राज्य चलाएगा, केंद्र का भी सब जगह का। ऐसे पावरफुल बच्चे बन रहे हैं। अभी भी छोटे छोटे बच्चे ऐसा ऐसा दिखाते कि कईयों को स्कॉलरशिप मिलता, कईयों को क्या, कोई मिनिस्टर बन रहे, कोई कुछ बन रहे, कोई कलेक्टर बन रहे, कोई IG बन रहे। लौकिक विद्या में आध्यात्मिक विद्या में ला दो, सब पावरफुल हो जाए। अपने कई सारे सत्संगों में संत आशाराम जी बापू ने इस बसंत पंचमी के त्यौहार को कितना महत्वपूर्ण बताया है और उसके अंतर्गत कितने सारे लोगों को इस त्यौहार के लाभ भी बताए हैं, जिससे कि भारतीय संस्कृति से जुड़कर लोग कैसे जीवन में आध्यात्मिक के साथ साथ आदि दैविक उन्नति भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय संस्कृति को इतना मजबूत करने वाले, छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतना संस्कार भरने वाले तथा छोटे छोटे बच्चों को उन्नत करने वाले, सारस्वती मंत्र की दीक्षा देकर लोगों को सही मार्गदर्शन देने वाले, भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान, आसन और प्राणायाम की शिक्षाओं को पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलाने वाले एक संत को आज 75 वर्ष की उम्र में क्यों सताया जा रहा है? क्यों संत आशाराम जी बापू को आज जमानत तक नहीं दी जा रही है? संत आशाराम जी बापू ने सदा देश की समृद्धि और विकास के लिए ही कार्य किए हैं, फिर भी आज उनको सताया जा रहा है।
इस बात को लेकर संतों ने संत आशाराम जी बापू को अपना खुलकर समर्थन दिया है। जगह जगह पर संत सभाएं करके संत आशाराम जी बापू को समर्थन दिया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 4 फरवरी को संत आशाराम जी बापू के समर्थन में लाखों की संख्या में जनसमूह एकत्रित हुआ और उनके साथ साथ सभी संत भी वहां एकत्रित हुए। गौरतलब है कि संतों ने जोधपुर में इस बात की घोषणा भी की थी कि यदि संत आशाराम जी बापू को जमानत नहीं दी गई तो सभी 4 तारीख को राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देंगे और वहां पर एक जन आंदोलन भी करेंगे। सिर पर भगवा टोपी, हाथों में भगवा झंडा और आगे भगवा वस्त्रधारी संत, ये इस प्रकार की जो रैली जंतर मंतर से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक गई तो सड़कों पर ये नज़ारा देखने लायक था। लाखों की संख्या में पब्लिक संत आशाराम जी बापू को समर्थन दे रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे और सबके हृदय में केवल एक ही भाव था कि आज संत आशाराम जी बापू को जमानत तक क्यों नहीं दी जा रही है। जहां बड़े बड़े राजनेताओं को घोटाले करने के बाद भी जमानत मिल जाती है, कई अभिनेताओं को हथियारों की सप्लाई करने के बावजूद भी पैरोल पर छूट जाते हैं तथा कई जजों के लिए जांच टीम बैठा दी जाती है, तो संत आशाराम जी बापू ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उनको आज जमानत भी नहीं दी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिनके फॉलोअर्स करोड़ों में हैं, जिनको आज पूरा विश्व ही एक महान संत के रूप में जानता है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के ठीक 100 साल बाद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, इतनी विशालतम उपाधि रखने वाले, इतने विशेष देश का भला करने वाले संत आशाराम जी बापू को आज जमानत तक क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों उन्हें सताया जा रहा है, क्यों 75 वर्षीय एक बुजुर्ग संत को जेल में रखकर क्या कानून या फिर मीडिया या फिर प्रशासन कहें कि आज जनता को त्रस्त नहीं कर रहा है। उनसे जुड़े करोड़ों फॉलोअर्स इस बात से आहत हैं कि संत आशाराम जी बापू को क्यों फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। सच से जुड़ी वो खबरें जो शायद आपको दूसरे चैनलों के माध्यम से नहीं मिल पा रही हैं, वो बातें जो संत आशाराम जी बापू से जुड़ी हैं, वो बातें जो सच से जुड़ी हैं, वो बातें जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हैं, हम आपको देते रहेंगे हमारे इसी चैनल संस्था समाचार के माध्यम से। मंगलमय चैनल सबका मंगल चाहता है। मंगलमय चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो शायद आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।